अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से कुछ दिन पहले एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये एडमिशन स्टार्ट हुए हैं पंजाब के तमाम गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि तमाम डिटेल प्रोवाइड की गई, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेशन। इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को कि शायद 50% FSC और 50% MD CAT का फार्मूला होगा या 10-40-50 होगा। तो इवेंचुअली जो मेरिट फार्मूला डिसाइड किया गया है उसमें 10-40 और 50 की रेशियो रखी गई है, और इस मेरिट फार्मूले से डेफिनेटली अब आपका मेरिट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल को देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगी 11 जनवरी से, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जनवरी रखी गई है। और इसके अलावा जो बाकी का प्रोसीजर है कि हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट और प्रोविजनल लिस्ट, और कहीं आपकी जो 8 फरवरी को जाके फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। तो इस शेड्यूल के ऊपर अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि आज 7 जनवरी की तारीख का है। PMC डायरेक्ट्स UHS टू करेक्ट शेड्यूल ऑफ पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशंस। और इस नोटिफिकेशन को अगर हम ओपन करें तो यहाँ ये मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस कंप्लीट करने की जो डेडलाइन है वो 22 जनवरी दी गई थी, और 22 जनवरी की तारीख इसलिए सेट की गई है क्योंकि इसके बाद 24 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशंस कंप्लीट किए जाएंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन से पहले पहले पब्लिक कॉलेजेस के एडमिशन हो जाने चाहिए, और किसी किस्म की एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की जाएगी एडमिशन कंप्लीट करने के सिलसिले में। इसकी मज़ीद तफसील देख लेते हैं। अब यहाँ ये 7 जनवरी के इस नोटिफिकेशन में इसकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को ये डायरेक्शंस दी हैं कि वो अपना शेड्यूल रिवाइज करें। शेड्यूल रिवाइज किस तरह से करना है कि 22 जनवरी तक आपके एडमिशन सारे के सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। यहाँ इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि 22 जनवरी 2021 तक अपने एडमिशंस कंप्लीट करने की जो PMC की डायरेक्शंस हैं, इसके ऊपर बाकी तमाम गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंटेशन कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसी शेड्यूल के मुताबिक एडमिशंस किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपने शायद देखा हो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले जो एक एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक एडमिशंस 22 जनवरी को कंप्लीट नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में एक रिवाइज्ड शेड्यूल अनाउंस किया गया जिसके मुताबिक अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 2 दिन पीछे कर दी गई, और तमाम जो हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट और डिसेबिलिटी के जो मेडिकल बोर्ड के टेस्ट होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 22 जनवरी को डिस्प्ले हो रही है। अब PMC इन तमाम गवर्नमेंट्स का हवाला देते हुए ये कह रही है कि पंजाब को किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, और UHS को भी इसी डेडलाइन के मुताबिक अपने एडमिशंस कंप्लीट करने होंगे। अब UHS ने इस नोटिफिकेशन को थोड़ा मिसरीड किया है, उन्हें शायद समझने में किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई है कि 22 जनवरी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की लास्ट डेट नहीं थी बल्कि एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने की थी। अब अगर आप UHS का नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो 22 जनवरी रखी गई है, जबकि PMC की डिमांड ये है कि 22 जनवरी तक आपके तमाम एडमिशन्स का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स की तरफ से एप्लीकेशंस भी रिसीव हो जाएं, उसके बाद जो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होना है, जो डिसेबिलिटी के जो टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा जो प्रोविजनल लिस्ट भी अपलोड होती है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो ये सारे का सारा काम 22 जनवरी तक हो जाना चाहिए क्योंकि इसके ठीक 2 दिन बाद 24 जनवरी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी, और PMC की रेगुलेशंस के मुताबिक पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशंस प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस से पहले कंप्लीट होने चाहिए। तो अब PMC की तरफ से ये UHS को वार्निंग जारी कर दी गई है, और इसके मुताबिक अब तवक्को ये की जा सकती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 1 या 2 दिन में अपना रिवाइज्ड शेड्यूल अनाउंस करेंगे, जिसके मुताबिक होगा ये कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी से स्टार्ट होनी थी तो वो मुमकिन है 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर दी जाए, और अब स्टूडेंट्स के पास अप्लाई करने का टाइम भी लिमिटेड होगा, यानी 22 जनवरी तक तो UHS को अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी, तो उससे पहले ही ये तमाम अवेलेबल जो टास्क हैं ये कंप्लीट करने होंगे। लिहाजा अब इस एडवर्टाइज किए गए शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन नहीं होंगे बल्कि UHS की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, इसलिए अब स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। जैसे ही UHS की तरफ से रिवाइज शेड्यूल अनाउंस होता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का अमल शुरू किया जाता है तो बगैर किसी ताखीर के तमाम तलबा को जल्द से जल्द एडमिशन के लिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इस सिलसिले में किसी भी फर्दर अपडेट के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में गाइड कर दिया जाएगा।